हेलो गाइज, इट्स मी तनुजा। वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। सो गाइज, आई एम बैक विथ अनदर वीडियो एंड टूडेज वीडियो इज यूज सरोजनी नगर हॉल वीडियो, जो आप लोगों ने मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे सजेस्ट किया आप सरोजनी नगर से रिलेटेड वीडियो बनाओ। बट आप लोगों को तो पता है मैं दिल्ली में रहती नहीं हूँ, बट मुझे दिल्ली जाना पड़ा किसी काम से। तो 45 डेज बिफोर मैं दिल्ली गई थी, तो उस टाइम मेरे पास उतना टाइम तो था नहीं। मेरे पास सिर्फ, मतलब आप बोल सकते हो, मेरे पास एक या दो घंटे का टाइम मिला था। तो आपको तो पता है सरोजनी नगर बहुत बड़ा मार्केट है, वहाँ आपको पूरा लाइक आपको 7-8 घंटा तो आपको बस सर्च करने में ही लग जाएगा, क्योंकि उतने बड़े मार्केट में आपको बहुत टाइम लगता है सर्च करना। सर्च करने में आप सर्च करोगे तभी आप अच्छे से कपड़ा खरीद पाओगे वहाँ पे, वरना आपको डिफेक्टिव आइटम्स और लूज फिट ऐसा आइटम आपको मिल जाएगा तो उसका कोई यूज नहीं होता है। तो बट मुझे 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में ही टाइम मिला था, तो मुझे जो भी मिला मैंने वो सब परचेज किया। तो और उसमें से बहुत सारा आइटम जो बहुत अच्छा आया है, तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करूं। मैंने क्या क्या सरोजनी नगर से परचेज किया वो भी फर्स्ट टाइम, तो और आप लोगों भी ने मुझे सजेस्ट भी किया था सरोजनी नगर से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ये मोस्ट वांटेड वीडियो है यूट्यूब पे। और गाइस, लेट इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों को तो पता है इससे पहले मैंने मीशो हॉल वीडियो और जियो हॉल वीडियो ये सब भी डाला था, तो वो सब का भी मुझे आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर करना था, इसलिए मैंने वो सबको पहले बनाया और आप लोगों के साथ शेयर किया। और ये सरोजनी नगर को मैंने लास्ट में रखा था, वो कहावत कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, तो बस उसी को फॉलोअप किया है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और थोड़ा लंबा भी होने वाला है, इसलिए वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट जंप इनटू द वीडियो। सो गाइज, मैंने कुछ फुटवेयर्स भी परचेस किया है, मतलब एक फुटवेयर्स भी मैंने परचेस किया, तो वो भी मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो चलिए गाइज, पहला आइटम से स्टार्ट करते हैं, जो है मेरा टॉप। विंटर और समर दोनों का, मतलब कपड़ा दोनों क्लोथिंग आइटम मैंने लिया है। बस एक दो शॉप में मुझे ठंडे वाले कपड़े मिल रहे थे, वो भी बहुत ज़्यादा सस्ते प्राइस में, मतलब 50 रुपीज़ में बस मुझे मिला है। सो गाइज, मेरा पहला आइटम जो है वो है ये श्वेट, मतलब ये स्वेटर वाला टॉप है, ये ऊन मटेरियल का ये टॉप है और ये पूरा नेट है। आपको इसके अंदर आपको कुछ इनर पहनना पड़ेगा क्योंकि ये पूरा नेट है, और इसका जो स्लीव्स है वो पूरा बलून स्लीव्स है, आप देख सकते हैं। बस यहाँ पे इन्होंने स्ट्रेचेबल दिया हुआ है जो आपको यहाँ पे आके फिट हो जाता है, और ये पूरा बलून स्लीव्स है, पूरा बलून वाला टॉप है, आप देख सकते हैं पूरा, मतलब आपको लग रहा है ये लूज है, बट ये लूज पैटर्न ही इसका लूज है और नीचे से फिट है, आप देख सकते हैं। और ये मुझे मिला है, मुझे आई थिंक 3 आइटम मैंने 100 रुपीज़ में परचेज किया था, तो मतलब बहुत सस्ता है गाइज। और ऐसे भी अभी गर्मी के मौसम में और गर्मी का टाइम चल रहा है, तो उन्होंने ठंडा वाला जो भी कपड़ा है वो बहुत सस्ते प्राइस में वो सेल कर देते हैं, तो इसलिए मुझे ये 3 आइटम 100 रुपीज़ में मिला है। तो ये उसमें से ये मेरा पहला आइटम है और मटेरियल बहुत अच्छा है, कुछ भी डिफेक्टिव मुझे नहीं मिला है। अगर वैसा जो बहुत ज़्यादा एक ही जगह कपड़ा रहता है वहाँ आपको चूज करने में सेलेक्ट करने में टाइम लगता है और बहुत डिफेक्टिव भी मिल जाता है, पर मुझे कोई भी डिफेक्टिव आइटम नहीं मिला, विच इज़ आई थिंक, मतलब मैं लकी हूँ। क्वालिटी बहुत अच्छा है इसका, बहुत सॉफ्ट है इसका। तो चलिए मैं आपको अब इसे पहन के दिखाती हूँ, और ये ग्रीन कलर में है और साइज तो इसमें कुछ भी मेंशन ही नहीं है, तो चलिए मैं आपको अब इसे पहन के दिखाती हूँ। तो आपको जो मैंने फर्स्ट आइटम दिखाया, मैंने आपको बताया उसके साथ मुझे 300 रुपीज में मुझे 3 मिला है, तो उसका मैं दूसरा आपको दिखाती हूँ। तो विच इज दिस गाइज, ये मुझे टॉप मिला है ग्रे कलर में, ये भी मतलब पतला ऊन वाला है और इसमें इसका ब्रांड लिखा हुआ है, तो नाइट ब्रांड है इसका, और इसमें मेरे साइज ये मैंने परचेज किया है। और इसका जो सबसे बेस्ट पार्ट है, ये इसका स्लीवलेस स्लीव में जो ये दिया हुआ डिज़ाइन वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और इसका जो नेक लाइन नेक स्टाइल है वो है राउंड नेक, एंड ये पूरा फ्रॉक स्टाइल का टॉप है, आप देख सकते हैं।
तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया है। ये टॉप ये ग्रे कलर में है, थोड़ा सा मुझे टाइट हो रहा है, कंफर्टेबल है। तो गाइज चलिए मैं आपको अभी से पहन के दिखाती हूँ। मूविंग टू द थर्ड आइटम, व्हाट आई हैव गॉट इज दिस। ये मैंने टॉप परचेस किया है, व्हाइट कलर की ये टॉप है, वो फर्स्ट वाले की तरह ही है, बस ओनली द थिंग इज वहां पर टाइट था, ये वाला लूज है, ये पूरा लूज पैटर्न है। और ये मुझे 100 रुपीज में, तीन जो मैंने आपको बताया उस तरह से उसमें ये मुझे मिला है। ये बहुत लूज पैटर्न है, मतलब थोड़ा क्वालिटी उसके जैसा नहीं है, थोड़ा क्वालिटी मतलब थोड़ा सा थोड़ा रुखरा क्वालिटी है, मतलब ऊन थोड़ा रुखरा है। आई थिंक इसके एक बार धोने से इसमें बबल्स आ जाएंगे। तो ये है मेरा थर्ड आइटम, तो चलिए मैं आपको अभी से पहन के दिखाती हूँ। सो गाइज मूविंग टू द फोर्थ आइटम, ये मुझे 100 रुपीज में दो मिला है, विच इज फर्स्ट वन इज दिस। ये क्रॉप टॉप, ये टर्नेक है और बाजू 3/4 है और ये क्रॉप टॉप है। बहुत ज्यादा ही स्ट्रेचेबल है, तो आप मेरे से थोड़े से भी हेल्दी हो तो आपको ये बहुत अच्छे से आ जाएगा। और ये टर्टल नेक है, ये बहुत सुंदर लगता है, अगर आप इसे हाई वेस्ट जींस ब्लू जींस के साथ पहन लो और नीचे व्हाइट कलर का स्नीकर्स, इट लुक वेरी नाइस गाइस। तो ये है मेरा फोर्थ आइटम, तो चलिए मैं आपको अभी इसे पहन के दिखाती हूँ। सो गाइज मूविंग टू द फिफ्थ आइटम, ये मैंने एक श्रग परचेस किया है, ऑरेंज कलर का ये श्रग है, ये भी पतला ऊन का है, तो मैं आपको उससे दिखाती हूँ। ये है गाइज, ये 3/4 बाजू है और ये बहुत लूज पैटर्न वाला ये श्रग है, तो इसे भी आप कैजुअली पहन सकते हो कैजुअल लुक के लिए, इट्स ऑल्सो लुक नाइस। इसके अंदर मैंने टैंक टॉप, ब्लैक कलर का टैंक टॉप भी पहना था, समर आउटफिट लुक वाला वीडियो उसमें मैंने इसे पहना था, इट लुक वेरी नाइस गाइस। तो चलिए मैं आपको अभी इसे पहन के दिखाती हूँ। सो गाइस मूविंग टू द फिफ्थ आइटम, सिक्स्थ आइटम, व्हाट आई हैव गॉट इज, मैंने ये वन एक डेनिम परचेस किया है, ब्लू कलर का है, यहाँ रिब्ड है दोनों तरफ और नीचे से ये खुला हुआ है, विच इज वेरी ट्रेंडी राइट नाउ। और ये मिड वेस्ट है, अगर गाइस आपको बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि शॉपिंग में आप अपने जींस का फिटिंग कैसे देखते हो, मतलब बहुत लूज भी मिल जाता है, और सरोजनी नगर में अगर कोई भी स्ट्रीट शॉपिंग में ट्राई ऑन का नहीं ऑप्शन रहता, तो हम अपने जींस के अपने मतलब वेस्ट के हिसाब से कैसे परचेस करें। तो गाइस अगर आपको जींस स्ट्रीट शॉपिंग से परचेस करना है, तो आप ये दोनों फर्स्ट एंड द लास्ट एंड में आप इसे पकड़ लो, और ऐसे अपने नेक एरिया से ऐसे आप नाप सकते हो, देख सकते हो, और ये दोनों अगर ऐसे टच हो जाता है तो समझो आपको बहुत अच्छे से फिट होगा। ये थोड़ा भी लूज होता है, मतलब इस तरह होता है तो आपको लूज होगा, और ये दोनों एंड से आप टच नहीं कर पाते तो मतलब आपको बहुत टाइट होने वाला है। तो इस तरह से आप परचेस कर सकते हो। मैं अपना सारा जीन्स अगर मैं कभी भी स्ट्रीट शॉपिंग से परचेस करती हूँ तो मैं उसी तरह से चेक करती हूँ, और वो बहुत अच्छे से फिट हो जाता है। तो ये भी मुझे बहुत अच्छे से फिट हो गया है गाइस, तो चलिए मैं आपको अभी इसे पहन के दिखाती हूँ। एंड वन मोर थिंग गाइस, इसका मैंने प्राइस आपको नहीं बताया, इसका प्राइस है 200 रुपीज, तो चलिए मैं आपको अभी इसे पहन के दिखाती हूँ। सो गाइस मूविंग टू द सिक्स्थ सेवंथ आइटम, व्हाट आई हैव गॉट, ये मैंने टॉप परचेस किया, जो आपने मेरे मीशो हॉल वीडियो में देखा होगा, मैंने इसे पहना था, ये व्हाइट कलर में है और इसका बाजू जो रफल वाला बाजू है, इसका 3/4 बाजू है, इसका जो नेक स्टाइल है वो है चाइनीज कॉलर, और यहाँ पे इन्होंने रिबन दिया है जिसको आप बो भी बना सकते हो, और ये पूरा नीचे से फ्रॉक है, और इसके अंदर भी आपको इनर पहनना पड़ेगा क्योंकि ये सी थ्रू है, मतलब ये प्योर कॉटन है, तो इसके अंदर आपको इनर पहनना पड़ेगा। तो ये और गाइस इसमें मेरा प्राइस, मुझे ये मिला है 150 रुपीज में, और ये प्योर कॉटन है, मतलब बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है पहनने पे। अगर आप सरोजनी नगर एक भी बार गए हो तो आपको पता होगा वहां पे एक लेन होता है, वो लेन पूरा ही आपको, उस लेन में आपको पूरा व्हाइट कलर का ही सिर्फ ड्रेस या फिर बॉटम वेयर टॉप वेयर सब कुछ व्हाइट कलर का ही मिलता है, वहां से ही मैंने इसे परचेस किया, और वहां पे बहुत ज्यादा ट्रेंडी कुर्तीज पैंट्स बहुत सारा व्हाइट कलर में था, बट मेरे पास उतना टाइम नहीं था कि मैं छाट के सेलेक्ट करके परचेस करूं, तो मुझे ये ही मिला, तो मैंने ये परचेस कर लिया। तो चलिए मैं आपको अभी इसे पहन के दिखाती हूँ। सेकेंड लास्ट आइटम विच इज दिस, ये मैंने शॉर्ट कुर्ती परचेस किया है, मुझे लगा ये किनारे किनारे से खुला हुआ होगा, बट ये पूरा पैक है, इसे मुझे खुलवाना है, तो ये खोलने पे ज्यादा अच्छा दिखेगा,
तो सबसे बेस्ट पार्ट इसमें मुझे लगा इसका ये जो डिजाइन है, ये यहाँ पे पतंग बना हुआ है गोल्ड ऑरेंज कलर का, इसका नेक की स्टाइल भी बहुत ज्यादा प्रिटी मुझे लगा है, तो इसलिए मैंने इसे परचेस किया। और ये बहुत सस्ते प्राइस में मुझे मिला है, 110 रुपीज में मिला, इसलिए मैंने इसे परचेस किया। तो इसमें मुझे गलती से एक्सेल साइज मिल गया है और इसका जो ब्रांड लिखा हुआ अतीसा ब्रांड है ये, तो इसे मैं आप फिट करवाऊंगी, तो इसका पिक मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इंस्टाग्राम पे, क्योंकि ये अभी बहुत लूज है तो आपको कुछ समझ में ही नहीं आएगा अगर मैं इसे पहन के बैठ आऊंगा कि आपको दिखाऊंगी। तो गाइस मूविंग टू द लास्ट आइटम ऑफ दिस हॉल व्हिच इज दिस टी-शर्ट। मैंने क्रॉप टी-शर्ट ये परचेस किया, बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है और बहुत कंफर्टेबल टी-शर्ट है। और ये सारे ये पूरे मतलब ये आज के पूरे हॉल से मेरा सबसे फेवरेट टी-शर्ट ये है। तो गाइस मुझे ऐसा टी-शर्ट और भी परचेस करना है, तो नेक्स्ट टाइम आई होप नेक्स्ट टाइम मुझे फिर मौका मिले दिल्ली जाने का और मैं फिर से ढेर सारा ऐसा टी-शर्ट परचेस करके आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करूँ। बट पहले ये कोविड वाला सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल हो जाए, फिर दिल्ली जाएंगे और आप लोगों के साथ और ढेर सारा सरोजनी नगर हॉल वीडियो शेयर करेंगे। तो ये मेरा लास्ट टॉप है, ये ब्लैक कलर में है, राउंड नेक है और ये मुझे मिला 150 रुपीज में। और टॉप को क्वालिटी के हिसाब से 150 बहुत ज्यादा कम है गाइस, मुझे ऐसा फील हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल टॉप है, टी शर्ट है ये। तो चलिए मैं आपको अब इसे पहन के दिखाती हूँ। सो गाइज मूविंग टू द लास्ट आइटम ऑफ दिस हॉल विच इज माई फेवरेट गाइस, ये मेरा वाइट नेशन का ये स्लीपर है वाइट, जो मुझे मिला है 300 रुपीज में एंड विच इज़ वेरी अफोर्डेबल एंड वेरी कंफर्टेबल स्लीपर है ये। और मैंने इसे बहुत सारे वीडियोस में अपने पहना है, तो आप लोगों का बहुत सारा मुझे आप लोगों ने मेरे से पूछा था कि ये स्लीपर मैंने कहाँ से पहुँचा, उस टाइम मैंने आप लोगों के इस क्वेश्चन का प्रॉपर आंसर नहीं दिया था क्योंकि मुझे इसका वीडियो बनाना था इसलिए। तो गाइस ये है मेरा स्लीपर विच इज माई फेवरेट और बहुत ज्यादा सुंदर है ये स्लीपर गाइज। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, आई होप यू लाइक इट। इफ यू डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो यू गेट नोटिफाइड व्हेन आई अपलोडेड अ न्यू वीडियो। और गाइज प्लीज आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको ये हॉल वीडियो कैसा लगा, मुझे और सरोजनी नगर हॉल वीडियो करना चाहिए या नहीं। तो गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, स्टे सेफ एंड स्टे एट योर होम। तो बाय गाइस।